अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड पकौड़ास। आलू के पकौड़े बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रूट टू फूल। आप पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 कप बेसन छना हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम एक छोटा सा पिंच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये पानी उसको आटे को भूनने के लिए उसके, और एक आलू बड़े साइज का लेके छील के हमने उसके कतले बना लिए हैं, पतले पतले और बारीक। आप देख सकते हैं ये इतने बारीक हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है नज़र। जितने मोटे होंगे उतने अजीब से पकौड़े बनेंगे। आप चाहते हैं अच्छे पकौड़े बने तो उसके बारीक बारीक फ्लेक्स करना है। स्टार्ट करते हैं। 2 कप बेसन लेंगे, टीस्पून की मदद से 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 से थोड़ा सा कम टीस्पून नमक। अच्छा, आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी बेकिंग सोडा हम नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा हम फ्राइंग के वक्त डालेंगे। अभी बेसन में ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेंगे। इसकी टेक्निक फेंटने की इस तरह है कि आप अपने फिंगर्स लेकर इसको यूं यूं करेंगे तो इसके लम्स चले जाएंगे। थोड़ा ग्रेजुअली पानी डालते रहिए, ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना, थोड़ा गाढ़ा होगा ये। अब देख सकते हैं आप लोग इसमें लम्स आ रहे हैं। अब इस लम्स को किस तरह हटाना है, फिंगर्स जो आपकी हैं इस तरह का कीजिए, उसको इस तरह फेंटिए ताकि सारे लम्स चले जाएं और एक स्मूथ टेक्सचर वाला बेसन आपका फिट जाए। आप चाहें तो आप हैंड विस्क भी यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छा सा फिट गया है बेसन, अब इसमें लम्स नहीं आ रहे। इसको 1 घंटे पहले हम फेंट के रख देते हैं, फ्राइंग से 1 घंटे पहले। इससे 1 घंटे पहले फेंटने से फ़ायदा ये होगा कि आपके जो क्रिस्प आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप उसी वक्त फेंट के बनाएंगे तो शायद क्रिस्प इतना अच्छा ना आए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है क्रिस्प लाने की। इसको हम साइड में रख देंगे। एक दफ़ा मैं आपको फिर बताती चलूँ आलूओं के बारे में। आलूओं को छील के आप इसके पतले पतले कतले कर लीजिए, उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। ये भी आप 1 घंटे पहले आप करके रख दें, पानी में भीगे, ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाले पानी में है बस। और ये बेकिंग सोडा इस वक्त अभी हमने नहीं डाला है, ये हम फ्राइंग के वक्त डालेंगे बेसन में, एंड देन वील फ्राई इट। बेसन को फेंटे हुए 1 घंटा हो चुका है। आलूओं में से एक्सेस पानी निकाल चुकी हूँ मैं, और ये है बेकिंग सोडा जो कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डालना है। ये हमारा बेसन है, की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये 1 आलू के लिए काफ़ी है। आलू के साथ साथ आप लोग बैगन के पकौड़े भी बना सकते हैं, बैटर सेम रहेगा। जस्ट बैगन के सर्कल आप ऐसे इस तरह काटिए, ज़्यादा ना मोटे ना ज़्यादा पतले। अब इसमें बहुत लाइट सा बेकिंग सोडा डालेगा, ये बहुत ज़्यादा है, जस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 2 पिंचेस, दैट्स इट, बस ये डालेंगे और इसको अच्छा सा टॉस कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे ही डालिएगा, पहले जब बेसन फेंट रहे हो आप लोग उस टाइम बेकिंग सोडा मत डालिएगा। अब मैं फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। ऑयल मैंने हीट पे लगा दिया था। ये आलू का हमने कतली ली, इसको अच्छा से डिप किया, एक्सेस रिमूव किया, एक्सेस रिमूव करके इसको इस तरह डाल दिया। जितने इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे बेसन के, उसको आप फौरन निकाल दें, अदरवाइज वो आपका पकौड़ा ख़राब कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये फूल रहा है, और जितना अच्छा हो रहा है इससे इतना ही क्रिस्पी होगा। लोग देख सकते हैं ये किस तरह फूल रहा है।
इसमें इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बेसन में सोडा डाला है, इससे पहले नहीं डाला था, और जस्ट अ पिंच, और आप इसका फूलना देख सकते हैं कि कितना प्यारे तरीके से फूला है। मीडियम हाई फ्लेम होगा हमारा, और भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इंश्योर करना कि अंदर का आलू पक जाए, और चूंकि हमने बहुत बारीक बारीक कटले काटे थे आलू के, तो वो बहुत जल्दी पक जाएगा। एक और आलू का अच्छे से डिप किया, एक्सेस रिमूव किया, एंड देन जस्ट डिप इन टू द ऑयल एंड रिमूव दीज बेसन के एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल सब टाइप पार्टिकल्स हैं। अब ये देखें, ये हो गया, इसको हम मैं निकाल लूंगी। इसका देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसको निकाल के हम रखेंगे अपने स्ट्रेनर में, और देखें किस तरीके से ये फूल रहा है, आप देख सकते हैं। एक और आपको मैं आलू का करके दिखाती हूँ, और उसके साथ एक बैगन का भी करके दिखाती हूँ। बैगन चूंकि हमारे यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम पे आया, पहले मैंने आपको नहीं बताया था, तो अब एक बैगन भी एक्सेस जो है, ये छोटे छोटे आप अगर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे पकौड़ों पे जाके चिपक जाते हैं और उसकी शक्ल खराब कर देते हैं। मैं एक वक्त में एक बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छा सा इसका लुक देखने को मिल जाए। ज़्यादा मैं इसको पॉपुलेट कर दूंगी ऑयल को, तो फिर इसमें इसकी नफासत ज़्यादा नज़र आएगी नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये बैगन का है, किस तरह फूल गया है। ये क्रिस्पी होगा, जितना फूलेगा उतना क्रिस्पी होगा ये। और ये आलू का हमारा, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये मेरे पुराने वाले पकौड़े हैं जो मैंने अभी 2 मिनट पहले निकाले हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने क्रिस्पी और कितने फूले हुए हैं। और ये मैं जितना अच्छा ऑयल स्ट्रेन करेंगे उतने देर तक क्रिस्पी रहेंगे, जितना आप ऑयल रहने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं 2 दफ़ा स्ट्रेन करती हूँ, एक इसमें और एक अपने स्ट्रेनर में डाल के इसको रख देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह अपने स्ट्रेनर में डाल के मैं रख देती हूँ, एक्सेस फर्दर ऑयल और इसमें सोक कर लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये फाइनल लुक, क्रिस्पी क्रंची हमारे आलू के पकौड़े और बैगन के पकौड़े किस तरह फूल चुके हैं और कितने क्रिस्पी हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।